हाय फ्रेंड्स, रूपांजलिस इंडियन कुकिंग में आप सबका स्वागत है। पिछली एक वीडियो में हमने कैरी का इंस्टेंट अचार बनाया था, तो आज हम कैरी के अचार का एक और टाइप देखेंगे। लेकिन ये अचार आप पूरे साल बिना किसी प्रिजर्वेटिव और बिना फ्रिज के स्टोर करके यूज कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। इस अचार को बनाने के लिए हम 1 किलो कैरियां इस्तेमाल करेंगे। अचार के लिए ये स्पेशल कैरियां मिलती है, हमें एकदम कड़क और फ्रेश कैरियां इस्तेमाल करनी है। मैंने इन्हें थोड़ा सा वॉश किया है और अब मैं इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखूंगी। चार घंटे बाद कैरियों को पानी से निकालेंगे, इन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे। और फिर से 5-6 घंटे के लिए इन्हें सूखने के लिए रख देंगे। ये एकदम ड्राई होना जरूरी है, इनमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं रहना चाहिए। आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं। कैरिया एकदम अच्छे से सूख गई है, ये अब बिल्कुल भी गीली नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये 1 किलो कैरिया है, तो इसके लिए हम 1/2 कप नमक और 1/2 कप कैरी अचार मसाला इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, थोड़ा सा बचा के रखेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो ही सारा यूज करेंगे। तेल मैंने 2.5 कप लिया है, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लगभग 600 से 700 ग्राम है, जितनी जरूरत होगी उतना यूज करेंगे। अब हम कैरियों को पीसेस में कट कर लेंगे, लेकिन याद रखिए जो चॉपिंग बोर्ड और नाइफ हम यूज करेंगे वो एकदम साफ और सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला ना हो। मैंने कैरी के इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसमें नमक और अचार मसाला डालेंगे, जितना लिया है उसके 75% डालेंगे, बाकी का बचा के रखेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे 24 घंटे के लिए ढक के रखेंगे। लेकिन बीच में 2 से 3 बार हमें इसे चेक करना होगा, अगर नमक या मसाला कम लगे तो इसी स्टेज पे हमें इसे ऐड करना है। और अचार को थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी रखना है, क्योंकि एक बार तेल डालेंगे तो नमक का टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसे किस तरह से ढकना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर पहले एक टॉवल डालेंगे, फिर इसे एकदम टाइट ढक देंगे। 4-5 घंटे बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसाला थोड़ा सा डालने की जरूरत है, इसलिए हमने जो मसाला बचा के रखा है उसमें से 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे। फिर से इसे ढक देंगे। चौबीस घंटे हो गए हैं, अब मैं फिर से इसे चेक करूंगी और जो मसाला हमने बचा के रखा है वो पूरा का पूरा इसमें डाल दूंगी। अब इसे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही ढक के रखेंगे। और अब हम अचार में डालने के लिए
तेल गरम करेंगे। मैंने स्टील के बर्तन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। याद रखिए, इसे एकदम धीमी आंच पे गरम करना है। इसे कितना गरम करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। लगभग 17 से 18 मिनट हो गए हैं। मैंने तेल को एकदम धीमी आंच पे गरम कर लिया है। अब हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। इसके लिए मैंने राई के 2 दाने लिए हैं और इन्हें मैं तेल में डालूंगी। देखिए, ये एकदम हल्के से थोड़ा सा क्रैक होके ऊपर आ गए हैं, तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस तेल को हमें 7 से 8 घंटे के लिए पूरी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद हम इसे अचार में डालेंगे। तेल एकदम ठंडा हो गया है, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसे अचार में डालते जाएंगे। मेरे हिसाब से इतना तेल काफी है, ये वाला हम नहीं यूज करेंगे, थोड़ा और डालते हैं। मैंने लगभग 600 ग्राम तेल यूज कर लिया है। अब अचार को हम एक कांच के कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। इस कांच के कंटेनर को मैंने अच्छे से धो के 2 दिनों तक धूप में सुखाया है और अब हम अचार को इसमें ट्रांसफर करेंगे। मैंने अचार को कंटेनर में भर लिया है, अब हम इसे एयर टाइट करेंगे। इसके लिए इसके ऊपर पहले एक रुमाल रखेंगे और फिर ढक्कन को एकदम टाइटली क्लोज कर देंगे। इसे हम एकदम सूखी जगह पर रखेंगे। जितना अचार इस्तेमाल करना है उतना छोटे कंटेनर में निकाल लेंगे। अचार निकालने के लिए जो चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे वो एकदम सूखा होना चाहिए। इन 2-3 चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो ये अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आप जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।